इधर आ जा तो जल्दी खराब होता। सुल्तानगंज में एक कांड दर्ज हुआ था 164-21, ये मर्डर केस था। गौतम चंद्र चौधरी को इन्होंने 2 बजे जो है शूट किया था और उनकी इस क्रम में मृत्यु हो गई थी। ये अप्राथमिक अभियुक्त बने थे और इन्होंने कन्फेस भी किया है अभी कि कैसे कैसे इन्होंने आर्म्स जो है लिया और शूट किया था, और उस घटनाक्रम के बाद ये फरार हो गया। और दूसरा जो कांड संख्या इनके ऊपर रंगदारी का लगा, इन्होंने मेडिकल शॉप जय सूर्या मेडिकल जो है दिनकर मंडल, उनसे 20 लाख का रंगदारी इन्होंने डिमांड किया था उस घटना। तो 9-10-2021 को कांड संख्या 224-21 इनके ऊपर दर्ज किया गया था रंगदारी का। और उस घटनाक्रम के बाद, उस कांड केस दर्ज होने के बाद, इन्होंने दोबारा रंगदारी का केस इनके ऊपर 13-2-22 को दर्ज किया गया। 37-22 कांड संख्या है। इन्होंने लोकेश यादव और सोनू शाह इन दोनों से, इनके थ्रू रंगदारी लेने की कोशिश की। एक फुटकर विक्रेता हैं, उनसे लेने की कोशिश की गई और उसमें शूटिंग भी हुआ। तो लोकेश यादव और सोनू शाह को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और आज गुप्त सूचना वालियों को दिया गया और वो सुल्तानगंज पुलिस को दिया, और त्वरित कार्रवाई करते हुए सुल्तानगंज पुलिस ने 1 कट्टे के साथ और 2 जिंदा कारतूस फुटोश चौधरी को उर्फ रवि चौधरी को 9 बजे के आसपास इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सर, फुटोश चौधरी की गिरफ्तारी से कितने मामले में ये अभियुक्त था और कितना सफलता है, कितनी बड़ी सफलता सुल्तानगंज थाना पुलिस की? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि 3 कांड इनके ऊपर पहले से दर्ज हो चुका था और गंभीर कांड दर्ज किया गया था, मर्डर का कांड, और 2 जैसे आप मैंने बताया कि 2 कांड इनके ऊपर रंगदारी का दर्ज किया गया था। और कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा ये गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे सुल्तानगंज में। तो इनकी गिरफ्तारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जैसे कि आप मैंने बताया कि लोकेश यादव और सोनी शाह इसके गैंग में जो है शामिल हो रहे थे, उनको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये और आज भी ये आर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, तो एक और इनके ऊपर जो है कांड दर्ज किया गया है। तो ये शातिर अपराधी था सर, शहर के माना आतंक इसको समझा था बिल्कुल। तो